हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी, बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं। उसमें मैंने थोड़े से गोभी भी डाल दिए हैं। ये मैं अपनी सासू माँ से सीखी हूँ। मेरी सासू माँ ऐसे ही बनाती हैं, ना कुछ तेल ना कोई मसाला, कुछ नहीं डालती हैं वो। तो चलिए, मैंने ये बैंगन गोभी और टमाटर को काट के इसको अच्छे से साफ पानी में धो लिया है। अब ये कटे हुए आलू धो लेते हैं। आलू का छिलका मैंने नहीं उतारा है, मेरी सासू माँ कहती हैं तो इसके भी स्वाद होते हैं, तो इसलिए मैंने छिलका नहीं उतारा है। तो इसको भी अच्छे से धो लेना है। तो चलिए, अब सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में। मेरी सासू माँ तो इससे भी कम तेल लेती हैं और बहुत टेस्टी बनता है, मैं यकीन नहीं मानोगे आप, बहुत ही टेस्टी, इतनी अच्छी बनती है जो मेरे को भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने मेथी दाना डाला है, ये मेथी दाना देख सकते हैं भून चुका है। तो अब इसमें कटी हुई सब्जी डाल देंगे और ये साबुत 4-5 मिर्ची मेरी सासू माँ डाल देती थी, इसलिए क्योंकि जिनको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो वो हरी ये मिर्च अपना आगे में लेके खा सकता है, क्योंकि तेल मसाला कम खाते थे वो लोग, उनको पुराने लोग थे, लेकिन टेस्टी बनती थी। तो अब ये देखिए, ये नमक डाल दिया है मैंने और अब इसको मैं चला के 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए सब्ज़ी। तो चलिए, अब इसमें मसाले, ये अदरक लिया है छोटा सा, लहसुन लिया है और ये हरी मिर्च ली है। मेरी सासू माँ तो लहसुन खाती नहीं है, तो वो तो लहसुन नहीं डालती थी, मैंने डाला है। और ये थोड़ी सी राई के दाने लिए हैं। अब इन सबको सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, ये पीस लिया है मैंने इस मसाले को। तो अब चलते हैं, ये हमारा भून चुका है जो हमने सब्जी चढ़ाया था। तो ये देख सकते हैं आप, रंग बदल चुका है। तो अब इसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ, जो मसाले डालना है, मसाले भी कुछ खास नहीं, बस हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर, बस 3 ही मसाला डाला है, कोई और मसाला नहीं। इसकी मतलब सिंपल सी की भी एक अच्छी स्वाद खुशबू, जो कहते हैं ना सिंपल सी सब्ज़ी में, ना ही प्याज है, लहसुन भी आपका मन करे तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं, मैंने डाल दिया है। तब ये मसाले डाल के इसको अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें मूली, सीम वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकती हैं जैसे मैंने बनाया है। आप एक बार बना के देखिए, कौन कहता है जो मसालों में ही स्वाद होता है, कभी कभी बिना मसालों की सब्ज़ी में भी बहुत स्वाद आते हैं, और ऐसा स्वाद आएगा जो आप एक बार खाओगे बना के तो आप दोबारा बनाओगे। मैंने पहली बार खाया था तो मुझे इतनी टेस्टी लगी थी, तो तब से मैं ना बैंगन की सब्ज़ी ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। तो अब ये जो पिसा हुआ मसाला था मैंने वो भी ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, आंच को मैंने धीमा कर रखा है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ये देखिए, अब मैंने इसी कटोरी में पानी लिया, 1-2 कटोरी पानी डाल दूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए गाइस, ये पानी डाल दिया है मैंने। अब इसको हम, जब तक कि आलू हमारा, क्योंकि बैंगन तो हमारा गल चुका है, बैंगन में इतना टाइम नहीं लगता है, जो हमने आलू डाला है आलू के टाइम से हमें उतारना पड़ेगा सब्जी को। तो अब इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुका है, तब देखते हैं हमारी सब्जी का क्या पोजीशन है। ये देखिए, खुशबू का तो आप पूछिए मत, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो पड़ोसी भी पूछने आएंगे जो क्या पक रहा है आज। तो ये देखते हैं आलू हमारा पका कि नहीं, पक चुका है आलू मेरा।
ये आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अगर आप तरी कम डालना चाहते हैं तो आप तरी कम डाल सकती हैं, एक कटोरी ही पानी डालिए। चावल के साथ खाने के लिए मैंने 2 कटोरी पानी डाला। अब ये कटी हुई धनिया डाल दी। तो गाइस बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप भी ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तो आप सबको भी अच्छी लगती होगी। तो ये देखिए ये सब्जी हमारा तैयार है। और अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप इसमें पानी कम डालिए, तरी कम डालिए। मैंने चावल के साथ खाने हैं तो इसलिए चावल के साथ खाने के लिए थोड़ी सी तरी ज़्यादा डाली है मैंने। तो ये तैयार है हमारा बैंगन की गोभी आलू बैंगन का सब्ज़ी, मज़ेदार चटपटी सी टेस्टी सी।